देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम जानेंगे सिद्धरमैया द्वारा कर्नाटक सीएम पद की शपथ ग्रहण करने के साथ साथ और किन नेताओं ने मंत्री पद की ली है शपथ। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर क्यों मचा हुआ है बवाल। दूसरी बार नोटबंदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर क्यों साधा है निशाना। और अंत में हम जानेंगे तेज गर्मी के बीच मौसम विभाग ने क्या जारी किया है अलर्ट। फिलहाल वीडियो की शुरुआत से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण कर कहा, हम सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बिगड़ी तबीयत, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो दिनों से ही उनके पेट में दर्द हो रहा था, जिसके चलते उन्हें शौकत खानम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र का अध्यादेश संघीय ढांचे और चुनी हुई सरकार की शक्तियों को तार तार करता है। डीटीबी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने के आरबीआई के फैसले का किया स्वागत। पीएम मोदी ने जापानी लेखक तोमियो मिज़ोकामी से की मुलाकात। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेता तोमियो एक प्रतिष्ठित हिंदी और पंजाबी भाषाविद। तोमियो ने पंजाब के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और साहित्य की लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर आप सांसद संजय सिंह ने कसा तंज, कहा पीएम मोदी तानाशाह है, ये उन्होंने फिर साबित कर दिया। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के 120 से ज्यादा समर्थकों को रिहा करने का दिया आदेश। बता दें कि इन समर्थकों को 9 मई के दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंसक विद्रोह प्रदर्शन के दौरान पंजाब प्रांत से हिरासत में लिया गया था। जापान के हिरोशिमा में चल रहे G7 समिट में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन से की द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान दोनों के बीच व्यापार, आर्थिक क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, नवीनीकरण ऊर्जा, संस्कृति, रक्षा क्षेत्र में सह उत्पादन और विनिर्माण सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तो थे सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने शनिवार को दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। यह शपथ कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा बीते दिन दोपहर 12:30 पर दिलाई गई थी। सिद्धरमैया के अलावा डीके शिवकुमार ने इकलौते डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। पार्टी के अन्य नेताओं जिनमें डॉक्टर जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा, के जे जॉर्ज और एम बी पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सतीश जारकोली, प्रियांक खड़गे, रामालिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के इस मौके पर पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमने आपसे 5 वादे किए थे। 1-2 घंटे में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी जिसमें ये 5 वादे कानून बन जाएंगे। मैंने कहा था कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण में 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे, जिसमें महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, डी राजा, एम के स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, कमल हासन शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कर्नाटक में कांग्रेस नेता एक तरफ जीत का जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता एक अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं आम नेता। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर जारी किए गए अध्यादेश पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया है जिसके मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। केजरीवाल सरकार की पावर को कम करने के लिए इसे लाया गया है। आप सांसद संजय ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि वे एक तानाशाह है, लोकतंत्र, संविधान और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि दिल्ली में सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। संजय सिंह के अलावा दिल्ली की नई रक्षा मंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अधिकार मिलने के डर से केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। यह अजीब है कि दिल्ली की जनता ने 90% सीट अरविंद केजरीवाल को दी है, लेकिन दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल नहीं चला सकते।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस अध्यादेश के लिए खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस सरकार के भ्रष्टाचार ने भी दिल्ली को काफी शर्मसार किया है। और अब पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रशासन को बदनाम करने और मनमानी करने की कोशिश की है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का स्वागत करती है। स्वागत तो बड़े नेताओं ने भी किया था जब देश में पहली बार नोटबंदी हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर वही प्रयास करने पर उन्हीं नेताओं द्वारा तंज कसा जा रहा है। आइए जानते हैं नोटबंदी को लेकर क्या कह रहे हैं बड़े नेता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल किया गया कि क्या नोटबंदी रूपी गलत निर्णय पर पर्दा डालने के लिए यह दूसरी नोटबंदी की गई है। खड़गे ने यह बात ट्वीट कर कही है, जिसमें लिखा है, आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, MSME ठप हो गई और करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 रुपए के नोट वाली दूसरी नोटबंदी क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्दा डालना है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की थी, जिसके लिए इस मूल्य के नोटों को 23 मई के बाद बैंकों में बदला जा सकेगा। इसके अलावा RBI द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अभी चलन में मौजूदा 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे और इन नोटों को 30 सितंबर तक जमा करने एवं बदलने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे। बदल तो दिन प्रतिदिन मौसम भी रहा है, कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी तूफान। इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। आइए जानते हैं मानसून को लेकर क्या कहना है मौसम विभाग का। भयंकर गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि भारत में सबसे पहले आने वाला मानसून अंडमान निकोबार द्वीप, दक्षिण अंडमान सागर और बंगाल की दक्षिण खाड़ी में दस्तक दे सकता है। इस वजह से अंडमान और निकोबार में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अंडमान में मानसून 3 दिन की देरी से पहुंचा है। इस वजह से केरल में भी ये 1 जून की बजाय 4 जून तक पहुंचेगा। गौरतलब है कि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल से होती है और इसके बाद ये तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी, कोंकण, कर्नाटक, मुंबई, गुजरात और इसके बाद पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचता है। मौसम विभाग का कहना है कि भले ही मानसून लेट हो रहा है, लेकिन ये सामान्य ही रहेगा। इसमें औसत से ज्यादा बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक के अनुमान के मुताबिक इस बार अलनीनो प्रभाव भी मानसून पर रहेगा, लेकिन उसका असर मानसून के अंतिम पड़ाव पर होगा, जिस वजह से बारिश कम होगी। IMD के मुताबिक इस बार 96% बारिश हो सकती है, जो कि नॉर्मल बारिश है, जबकि नॉर्मल से ज्यादा की बारिश की उम्मीद केवल 67% की है। फिलहाल ये मानसून का पूर्व अनुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग मई के अंतिम दिनों में फिर से मानसून को लेकर अपडेट जारी करेगा। ये तो थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।